ये सारे के सारे निगेटिव सेंटेंस हैं, सभी में नहीं लगा हुआ है, सभी में नहीं लगा हुआ है, सभी में नहीं लगा हुआ है, देख रहे, नहीं 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 नहीं। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, देख रहे, ती लगा हुआ है, ता लगा हुआ है, ती लगा हुआ है, ते लगा हुआ है। तो ये आपको निगेटिव सेंटेंस हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहां पर देख रहे, वह नहीं गाती है, तो लड़की है कि लड़का है, क्या है, लड़की है। तो लड़की में क्या चीज का यूज होगा, सी का यूज होगा, सिंपल है। तो यहां पे आप सी लिख दीजिए, सब्जेक्ट हो गया। और मैंने नियम दिखाया था कि सी के साथ क्या लगता है, डज नॉट, डू तो नहीं लगाएंगे, डू नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूल तो हम लिखा चुके हैं कि सी के साथ क्या लगता है, डज नॉट। तो आप ऐसे लिख दीजिए, सी डज नॉट अ सिंग, मतलब गाना, भरवन होता। तो आप इंग्लिश में भी इस तरह से बोल सकते हैं कि सी डज नॉट सिंग, या किसी का भी नाम, रीना डजंट सिंग, सीमा डजंट सिंग, आप ऐसे डज नॉट को इंग्लिश में डजंट, किसी को का भी नाम रख सकते हैं, ही सी इट, तो बोल सकते हैं इंग्लिश आराम से। नेक्स्ट, मैं आम नहीं खाता हूं, मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ क्या हम बताए हैं, क्या के साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। तो आई डू नॉट, और इट मतलब क्या होता है, खाना, तो आई डू नॉट इट। कई गो आम खा रहे, एगो कि दो गो, एक खा रहे ना, तो ए मैंगो हो जाएगा, ए मैंगो, आई डू नॉट इट ए मैंगो, मैं एक आम नहीं खाता हूं। तो यहां पर किसी चीज में भी आई के साथ डू नॉट लगाएंगे। नेक्स्ट, वह मुझसे प्यार नहीं करती है, तो सी ही नहीं देंगे, क्योंकि हम किसी गर्ल के बारे में बोल रहे हैं, सी, तो सी के साथ क्या लगेगा, डज, सी डज नॉट, लव मतलब क्या होता है, प्यार करना, सी डज नॉट लव किससे, तो मुझसे, तो सी डज नॉट लव मी, हो गया, है कि नहीं, आसान तो है, कहाँ भारी भारी है, हार्ड है, इजी है कि नहीं, रूल तो लिखा दिए, इजी हमारा इसमें नहीं लगाइएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और नियम जो रूल कहता है उसी रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, हम लोग उसी नहीं जानते हैं। तो हम लोग के इंग्लिश क्या होगी, वी, और वी के साथ क्या लगता है, डू नॉट लगेगा। कई स्टोरी ये सब जानते ही नहीं, किसके साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे कि डज नॉट लगाएंगे, कहीं से कहीं इधर से उधर गड़बड़ कर देता है, इसलिए उसकी गलती हो जाती है। तो वी, वी मतलब हम लोग, तो वी क्या हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद नियम क्या है, डू नॉट लगाएंगे, वी डू नॉट अनोमिस जानना किससे, तो उससे, उसे की इंग्लिश क्या होती है, हिम, तो वी डू नॉट नो हिम। देख लीजिए दोस्तों, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इस तरह से ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है दोस्तों। मैंने आज सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बता दिया है, और दोस्तों आप लोग को अच्छा लगे ना तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेट मिलेगा, हम फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे दोस्तों कल, तो आप लोग को और समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को टारगेट 30 कोचिंग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, थैंक यू वेरी मच।